कुछ दिन पहले जो मैंने आपको बताया था कि टाटा पावर और अडानी पावर ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से पैसा जुटाएंगे जो आने वाले दिनों में विंड में और सोलर की परियोजनाओं में। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च सिक्स। और आज बात करेंगे सर टाटा पावर की। अभी कुछ दिन पहले जो मैंने आपको बताया था कि टाटा पावर और अडानी पावर ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से पैसा जुटाएंगे जो आने वाले दिनों में विंड में और सोलर की परियोजनाओं में उन पैसे को खर्च करेंगे लंबे समय के लिए। तो अभी क्या देखने को मिला था कि बीते दिनों अडानी जी ने राजस्थान में 65,000 इन्वेस्ट करने का मन बनाया, जिसमें 50,000 तो सर सोलर के क्षेत्र में करेंगे वो, बाकी वो सीमेंट में और बाकी वो जयपुर एयरपोर्ट है उसके लिए वो काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर तो सर सोलर जो है मजबूती की तरफ देखने को राजस्थान में हमें मिल रहा है, जिस तरीके से मैंने बताया कि वहाँ धूप ज़्यादा, और वही चीज़ अब मुझे टाटा पावर में भी देखने को एक न्यूज़ मिली जिसमें टाटा पावर ने 10,000 मेगावाट की एक परियोजना राजस्थान में चलाने की एक मन बना लिया है आने वाले 5 साल के लिए। अडानी जी ने 7 साल का समय लिया है और टाटा पावर ने 5 साल का समय लिया है, लेकिन टाटा पावर एक बेस्ट परियोजना के तहत मुझे इसलिए भी लगता जा रहा है क्योंकि इसने जो इन्वेस्ट किया कि 8,000 मेगावाट तो ये सोलर के क्षेत्र में करेगा और 1,000 मेगावाट ये सर जो छतों में सोलर रूफटॉप होते हैं उसके अंदर ये एक परियोजना है और बाकी का ये सर ये 1.5 सोलर पंप जो होते हैं उस पर काम करने वाला है। आपको पता है कृषि के क्षेत्र में अब बिजली का जो छुटकारा पाने के लिए सोलर से जो पंप चलते हैं उसके अंदर भी ज़्यादा स्कोप बनता जा रहा है और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ बिना बिजली के चल जाए वहाँ पर एक सवच हो जाती है और वो चीज़ें ही हमें आगे जाकर एक बड़ा सा उद्देश्य लाकर देती है कि धूप से ही आपको कृषि के लिए पानी मिलेंगे। तो यहाँ सोलर पंप के लिए भी टाटा पावर काम कर रहा है, ये बहुत बड़ी परियोजना है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है जिससे राजस्थान के किसानों को धूप से पानी का आनंद मिलेगा और वो अपने जो भी वो खेती करते हैं किसी भी तरीके से, तो वहाँ पर एक सोलर पंप लगाने वाली चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है या वो किसी भी तरीके से सोलर जैसे पानी होता है वो उसमें काम करेंगे। तो टाटा पावर की एक परियोजना जिसने बहुत ही ज़्यादा दिल जीता है और अडानी जी के साथ साथ ये वही काम कर रहे हैं जो दोनों इकट्ठे एक दूसरे को काम कर रहे हैं। ये ग्रीन बॉन्ड भी दोनों लाए हैं, दोनों ही राजस्थान को इन्होंने टारगेट किया है और दोनों ही सोलर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों के लिए टाटा पावर ओ आपको बहुत ही बेस्ट मुझे लग रहा है जिस तरीके से इनकी परियोजना अधिकतर सोलर पर चल रही है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।